कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, दो तरह के पेपर अपन देख चुके हैं बड़े ही रिसर्च करने के बाद, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, वही चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि जो परीक्षा हाल में थोड़ा 100% आएगी। अच्छे से आपने तैयारी करी है और अच्छे से करनी भी है, परीक्षा हाल में जाने से पहले आपको ये पेपर जरूर लगा के जाना है। काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हूबहू पेपर नहीं आएगा पर इसके जैसा आने की संभावना रहेगी, ठीक है। ये मैंने आपको जो बच्चों को जो कोचिंग पढ़ाते हैं ना अपन ऑफलाइन, उनमें बच्चों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा, है ना, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप खुद ही जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से मिलकर ही तो पेपर बनता है, कोई अलग से तो आएगा नहीं। तो ये जो चार तरह के पेपर मैंने ये बताए, ये इसके बाद में यहाँ से ये, ठीक है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में फंसने के चांस रहेंगे अधिकतर। ये चार पेपर करोगे ना तो आप 60 से 70 नंबर स्कोर कर पाओगे। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, ए की पावर है एम इंटू ए की पावर है एन। जब आपकी संख्याएं एक जैसी होती है तो आपने एक शब्द सुना होगा कि गुना में जो होती है घात जुड़ती है। क्या होता है? गुना में घात जुड़ती है। तो ये जो आ नंबर का रहेगा वो एकदम राइट रहेगा कि ए की पावर जाएगी एम प्लस एन। जैसे यहां पर 2 की घात 3 है और यहां पर 2 की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को एक बार लिख देंगे और 2 की घात 3 प्लस 2 यानी 2 की घात 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, इस तरह कैसे होगा? बहुपद पी एक्स, बहुपद जो है पी एक्स इक्वल है 2x प्लस 5। इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है। देखिए, शून्यक ज्ञात करने का बेस्ट तरीका बताता हूं मैं, बराबर के उधर आपको 0 लगा देना है, तो इक्वल हो गया 0। अब ये जैसे उधर जाएगा तो एक्स के बराबर, देखिए माइनस का 5 हो गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया और बटे में आ गया 2, तो माइनस का 5/2 यानी बा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अच्छा, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। देखिए, जब भी वाई अक्ष पर स्थित रहेगा तो बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है एक्स का मान, और एक्स का मान जो रहेगा वो रहेगा 0। कब? यदि वाई अक्ष पर है तो। ध्यान से समझिएगा बेसिक को, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है आपका, ठीक है, तो 10th में भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे, है ना। और बेसिक ही कंप्लीट नहीं हो पाया तो बिल्कुल आप कमजोर रहोगे, रट के कोई सी भी चीज अपन नहीं करेंगे, और जिसको रटना है वो स्किप कर करके आगे कर सकता है। यदि आप चाहते हैं लंबी रेस का घोड़ा बनना तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, धीर धरना पड़ेगा, अच्छे से वीडियो को समझना पड़ेगा, आगे आपकी मर्जी जैसा लगे उचित करिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। वाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स का मान 0 रहेगा। यदि यहां पर वो एक्स अक्ष बोले तो वाई का मान 0 होगा, और वाई के मान को हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? वाई के मान को अपन कहते हैं कोटि और एक्स के मान को कहते हैं भुज। तो जब वाई अक्ष बोले तो भुज 0 होगी, और जब एक्स अक्ष बोले तो कोटि 0 होगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? समबाहु जो होता है ना उसका 60 डिग्री होता है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज है उसमें 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और समबाहु का मतलब क्या है? सारी भुजाएं बराबर है, बराबर एंगल वाले हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किस पर करते हैं? 90 डिग्री पर। अगला है वर्ग 90 से 120, इसका मतलब होता है से, जो माइनस की तरह है ना, 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। अच्छा, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दो, जो पहला है वो निम्नतम सीमा रहती है, दूसरी उच्चतम सीमा। अच्छा, जानना नहीं, डिटेल नहीं पढ़ना है, तो आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 120 प्लस 90 और बटे में 2 का भाग दे दो, तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 0 की 0 और 9 12, देखिए 9 2 11 हो गया, हासिल आया 1 ये 21 हो गया, और बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे काटोगे 2 1 2 भाग नहीं आएगी इसकी, 0 और 2 5 10, 105 एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को, जो बहुपद में सबसे बड़ा घात वाला घातांक है उसे ही हम कहते हैं बहुपद का घात। यानी कि यहां पर मैंने जो लिखा है 2x³ + 3x²
प्लस 7x प्लस 8। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो कौन है घात में, x की घात 3, यही बोल रहा है, तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसकी घात भी कितनी है, 3 रहेगी। कोण बनाने वाली दोनों किरणें, ठीक है, कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती है, उस कोण की भुजा, ठीक है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भैया, अच्छे से समझिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। आ शून्य अचर बहुपद की घात सदैव होती है, तो इसकी जो घात होती है ना अशून्य, यानी कि इसकी घात है ना शून्य ही होगी, यानी शून्य बहुपद की घात भी कितनी भी शून्य। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर, जो समांतर चतुर्भुज होता है समांतर समान अंतर, इसका जो विकर्ण है परस्पर क्या कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए। रेखाएं समपाती हो, जब रेखाएं समपाती होती है तो अनंता अनेक हल होते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो एकादित्य हल होता है, और जब रेखाएं समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होता है। ये तीन शब्द याद रखना है। रेखाएं यदि समपाती है तो उस कंडीशन में अनंता अनेक हल होंगे, रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो या प्रतिच्छेद करे तो एकादित्य हल होगा। एक शांत रेखा दोनों ओर, ठीक है, अनुवांशिक कप से बढ़ाई जा सकती है, अनुवांशिक रूप होगा ये, है ना, यहाँ पर अनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा होगा 90 डिग्री के बराबर कोण वाला कोण, 90 डिग्री जिसका रहेगा उसे अपन कहते हैं समकोण। 90 से कम, ध्यान से समझिएगा, 90 से कम वो हो जाएगा पूरक कोण, 90 से अधिक ये 90 से अधिक जो हैगा वो आ जाएगा आपका, ठीक है, 90 से जो अधिक वाला है उसे हम कहते हैं, तो वहां 90 से अधिक वाला कहलाएगा आपका अधिक कोण, लेकिन ये क्या कहलाएगा आपका 180 डिग्री तक, है ना। इस तरह से आप ध्यान रखना है। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है तो वो रहती है आपकी समांतर रेखाएं, और भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो करनी 3 ए की ए स्क्वायर बटा 4, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी वो हाँ ना तीसरा नंबर चौथा हो गया, पांचवा जाएगा ये, सही तो है। और 1/3, 1/3 को यदि आप दुगुना करोगे ना, दुगुना दुगुना यानी कि 1 का 2 कर दो, 3 का 6 कर दो, ये जाएगा आपका, सीधी सी बात है, ये कौन सा आपका छठा आ जाएगा। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो निकाय का हल होगा अद्वितीय हल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है, कहलाती है व्यास। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हिरोन का सूत्र क्या है, ठीक है, हिरोन का जो सूत्र है वो आपका रहेगा, हिरोन का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये रहेगा, ठीक है, जहां एस का जो मान रहता है वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। अगला देखते हैं, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है,
तो वो यदि कोई अर्धवृत्त है उसके चारों ओर घुमाएंगे तो ठोस गोला बनेगा, ठोस क्या कहलाएगा आपका, गोला कहलाएगा। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? बराबर, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 4 πr² सत्य सत्य। यहां से देखिए करनी 3 जो एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य बात है। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, तो संगत भुजाएं बराबर हो तो यह क्या हो जाएगा आपका, ये भी सत्य हो जाएगा। वर्ग के विकिरण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। और अंतिम जो है वो आपका, ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाता है, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। 1/7 के हर का परिमेयकरण करिए, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि इसका इनटू कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये जाएगा करनी 7/7, ये आपका हर का परिमेयकरण हो गया। बस सिंपल सिंपल सवाल आएंगे आपके परीक्षा में, ठीक है, आपको अच्छी मेहनत करना है। ये सारे सॉल्यूशन यदि आप देखना चाहते हो और आप कहोगे तो मैं बिल्कुल इनके वीडियो बना दूंगा। यहां पर देखिए 3.5 की भुज और कोटि बताइए। भुज कहते हैं अपन x वाले मान को और कोटि कहते हैं y वाले मान को, तो भुज बताइए। भुज यहां पर हो जाएगा आपका 3 और कोटि जो रहेगा वो आपका रह जाएगा 5। ये सिंपल है, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो शून्य के लिए क्या करते हैं 2x + 5 = 0। अब 0 कर देंगे तो x बराबरी पे माइनस का 5/2 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। 18 के बाद में यहां से अपन देखते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन 19 हो गया है ये, क्वेश्चन 20,